हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू स्टोर पीनट फॉर लॉन्ग टाइम, मूँगफली को कैसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मूँगफली को स्टोर करने के लिए सबसे पहले सभी बाज़ार से ख़रीदें, सूखा वाला मूँगफली जो होता है उसको ख़रीदें। और अगर कभी आप लोग कच्चा वाला मूँगफली जो है उसको ख़रीद लिए हैं तो उसको 4-5 दिन धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद ही उसको इस तरीके से छीलेंगे तो आसानी से छिल जाएगा। और अगर सूखा वाला नहीं ख़रीद के ऐसे ही कच्चा वाला को रख देंगे तो उसमें जो है ख़राब हो जाएगा, तो उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से सूखा वाला को छील लेंगे और उसके बाद इसको कैसे स्टोर करेंगे, तो इसको स्टोर करने के लिए इसको भी आप लोग धूप में सुखा सकते हैं बीच बीच में। अगर कभी इसमें कीड़ा लग गया तो धूप में सुखाने से वो चले जाते हैं। तो धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। दाल हो गया और भी कोई चीज़ हो गया तो उसको भी इस तरीके से धूप में लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको कैसे स्टोर करके रखेंगे, तो जिस कंटेनर में इसको स्टोर करके रखेंगे उसमें ये जो तेज पत्ता होता है जिसको बेलीव्स बोलते हैं इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो एक कंटेनर लेंगे और उसके नीचे इस तरीके से जो बेलीव्स होता है उसको डाल देंगे और ऊपर भी उसका बेलीव्स को डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कम है तो छोटा कंटेनर में मैं रख रही हूँ। बड़े कंटेनर में इस तरीके से दो लेयर लगा के पीनट को स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो ये ख़राब नहीं होगा। और इसको भी बीच बीच में धूप में लगा के दिखाते रहेंगे। उसके बाद आप लोग ये नीम का पत्ता जो है उसको यूज कर सकते हैं, ड्राई नीम लिप्स जो होता है उसको, सूखा वाला। तो उसको आप लोग जो उसका पत्ता है इस तरीके से कंटेनर में डाल देंगे और उसके ऊपर एक पीनट का लेयर दे देंगे और उसके ऊपर फिर और एक बार जो है नीम का पत्ता जो बाकी बचा रहेगा उसको इस तरीके से रख देंगे, तो इसमें कीड़ा नहीं होगा। और हर 10-15 दिन में एक एक बार इसको धूप में सुखाते रहेंगे तो आपका जो पीनट है कभी ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक रहेगा। और तो ये जो दो टिप्स है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, नीम का पत्ता एंड बेलीव्स के यूज करके पीनट को आप लोग बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं मूँगफली को। तो इसी तरीके से दाल को भी आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।